आपका काव्य पाठ रहा, और बहुत अब बहुत हमारे साथ, धन्यवाद, जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत हमारे बहुत साथ शुभकामनाएं भरत जी आपको। भरत जी, और हमारे बीच है मॉरिशस से डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी, मैं उनको स्वागत जी। करता हूँ और वो भी अपनी आहुति इस यज्ञ में डाल। जी डॉक्टर स्वागत सुरीति, हम सब आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत भारत बहुत भूमि बहुत को नमन स्वागत, करती नमस्कार, हूँ, अपनों को नमन करती हूँ, और हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस महायज्ञ की सभी को बधाई देती हूँ, नरेश भाई को, हरी सर जी को, और आप सभी टीम को। बहुत अच्छी तरह से संचालन भी हो रहा है कार्यक्रम की। आज अंतिम दिन है, और ये अंतिम नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। और मेरी आप सभी को बहुत बधाई, और दूर देश में बैठी हुई आपकी सुरीति, आपके लिए कुछ इस महायज्ञ में आहुति के लिए आई है। बस दिल से दिल की बात कहूंगी। और आज सबसे पहले मैं हिंदी माँ के नाम कुछ मुक्तक पढ़ूंगी, उसके बाद भारत माँ, और एक रचना। समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी रचनाएं पढ़ती हूँ। तो सबसे बहुत, पहले बहुत, मैं हिंदी बहुत, बहुत, बहुत। घर के हर बच्चे को हिंदी घुट्टी में पिलवाएंगे, घर के हर बच्चे को हिंदी घुट्टी में पिलवाएंगे, हिंदी शालाओं में शिक्षा हम उनको दिलवाएंगे, हिंदी शालाओं में शिक्षा हम उनको दिलवाएंगे, जेम्स कीट्स शैली के संग ही नहीं केवल, जेम्स कीट्स शैली के संग ही नहीं केवल, उनको तुलसी सूर बिहारी से भी मिलवाएंगे, उनको तुलसी सूर बिहारी से भी मिलवाएंगे, ले संकल्प सभी हम अपनी भाषा का सम्मान करें, लिखे पढ़े बोले हिंदी में, जीवन को रसखान करें, है गौरव की बात, विश्व में हिंदी दूजे नंबर पर, तो हम सब मिलकर शंखनाद से हिंदी का गुणगान करें। तो जहां हिंदी माँ की बात आती है, तो मेरी मातृभूमि को मैं कैसे भूल सकती हूँ, उसके चारों ओर मेरा जीवन है। तो हमारी इस भूमि को जो हमारे सैनिक भाई रक्षा करते हैं, दिन रात एक करते हैं, मैं उनके नाम कुछ पढ़ना चाहती हूँ। भारतीय सैनिक सरहद पर जाने को जब चलता है, विशेष ध्यान चाहूंगी, भारतीय सैनिक सरहद पर जाने को जब चलता है, तो वह सिर पे कफन बांधकर घर से सदा निकलता है। रक्षा सूत्र बहन का कर्मे, मुख पर रवि का तेज लिए, माँ के आशीषों के तेल से फिर मशाल सा जलता है। देश की रक्षा हित मर सकते, उनको हम बांधे राखी, फिर सेना की वर्दी हो या पुलिस की वर्दी खाकी, सानी नहीं, विश्व में भारत माँ के लालों का कर देती है खड़े रोंगटे उनके जीवन की झांकी। और हमारी जो भारतीय माएं हैं, उनके दिल की बात, पुत्रों को सीमा पे भेजकर फूली नहीं समाती है, समाचार रण के सुन सुनकर हर्षित हो मुस्कुराती है,
दुर्गा के अवतार सरीखी, दुर्गा के अवतार सरीखी भारतीय माए है जो देशभक्ति की लोरी गाकर अपने पुत्र सुलाती है, देशभक्ति की लोरी गाकर अपने पुत्र सुनाती सुलाती है भारतीय माए। इसी तरह है, हमें तो घुट्टी में मिली है देशभक्ति, घुट्टी में मिली है। तो वीर जवानों के नाम एक मुक्तक और पढ़ती हूँ। भारतीय वीरों के सम्मुख, भारतीय वीरों के सम्मुख अरी के छक्के छूट रहे, भारतीय वीरों के सम्मुख अरी के छक्के छूट रहे उनके शौर्य के समक्ष, उनके शौर्य समक्ष विश्व के सारे मानक टूट रहे, उनके शौर्य समक्ष विश्व के सारे मानक टूट रहे। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है भारत की मिट्टी में जादू है, ऐसा लगता है भारत की मिट्टी में कोई जादू है। तभी तो हर एक कोख से, तभी तो हर एक कोख से अद्भुत अंकुर फूट रहे, अद्भुत अंकुर फूट रहे। एक अंतिम रचना जो हम सभी के जीवन में खरी उतरेगी। हम सभी की अपने अपने युद्ध हैं, हम ही अर्जुन हैं, हम ही कृष्ण हैं। तो आप सभी को समर्पित है एक मेरी कविता, जीवन। स्वागत है। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो और निराशा से हरदम कटे रहो, और निराशा से हरदम कटे रहो। हटो नहीं, हटो नहीं, बस सीधे सदा कदम रखो, हटो नहीं, बस सीधे सदा कदम रखो और हौसला ही मन में हरदम रखो, और हौसला ही मन में हरदम रखो। कृष्ण तुम ही, कृष्ण तुम ही, तुम ही हो अर्जुन, कृष्ण तुम ही हो अर्जुन। याद सदा रखो, परहितकारी प्रशंसनीय मन नम रखो, परहितकारी प्रशंसनीय मन नम रखो। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो और निराशा से हरदम कटे रहो। आएंगी मुश्किलें, आएंगी मुश्किलें ना बच पाओगे तुम, आएंगी मुश्किलें ना बच पाओगे तुम, मगर 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 जीतने होंगे तुमको कोई समर, मगर जीतने होंगे तुमको कई समर। युद्ध खुद पर ही रखो विश्वास, खुद पर ही रखो विश्वास, यह सच मानो। होते हैं सुकर्म ही जग में सदा अमर, होते हैं सुकर्म ही जग में सदा अमर। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो और निराशा से हरदम कटे रहो। उड़ने का प्रयास हो, उड़ने का प्रयास हो प्रतिकूल हवाओं में, उड़ने का प्रयास हो प्रतिकूल हवाओं में, आज किसी से मत रखो विपदाओं में। हम अकेले होते हैं अपने युद्ध में और हमें ही जीतना है। उड़ने का प्रयास हो प्रतिकूल हवाओं में, आज किसी से मत रखो विपदाओं में। जिद्दी बनकर कर्म करो दरवाजा तो तो वहीं फिर तो अंदर साइड से बंद जीतोगे, कर देता हूँ, अंदर साइड से बंद कर देता हूँ। जिद्दी बनकर कर्म करोगे तो जीतोगे। हार के उठने का बल है यदि बाहों में, हार के उठने का बल है यदि बाहों में। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो और निराशा से हरदम कटे रहो। अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ। रुकना नहीं है तुम्हें हार के याद रहे, रुकना नहीं है तुम्हें हार के याद रहे। स्वयं जगानी खुद में, स्वयं जगानी खुद में प्रेरणा याद रहे। बेशक बेशक अल्प हो साधन चिंता ना करें, बेशक अल्प हो साधन चिंता ना करें। चैन की बंसी ही बजानी याद रहे, चैन की बंसी ही बजानी याद रहे। जीवन है कुरुक्षेत्र, युद्ध में डटे रहो और निराशा से हरदम कटे रहो, और निराशा से हरदम कटे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए, आपके प्यार के लिए। सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरी भारत भूमि से ठंडी हवाएं मुझे मिलती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सुरीति जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका, बहुत अद्भुत। मातृभूमि की भक्ति है उसमें और राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम झलकता है। आपको नमन करती हूँ, आपकी लेखनी को नमन करती हूँ और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके काव्य पाठ से हम सब अभिभूत हैं। बहुत सारे लोग कार्यक्रम